हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे परवल का भरवा, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। परवल का भरवा बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने 10 से 12 परवल लिया है और उसके छिलके को चाकू की मदद से हल्की हल्की छिलके को निकाल लिया है। इस प्रकार से चाकू की मदद से उसके बाद परवल के बीज एवं गुदा को चाकू की मदद से इस प्रकार निकालेंगे। ध्यान से इस प्रकार निकालेंगे ताकि चाकू आपके हाथों में ना लगे। इस प्रकार से निकालेंगे उंगली की मदद से। ये बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। तो सारे परवल को हमने इसी तरह से निकाला है। परवल का भरवा बनाने का अपना अपना तरीका है फ्रेंड्स। हमने आज कुछ अलग तरीके से बनाया है, तो आप भी अपने घर पे इस तरीके से बना सकते हैं। बारी बारी से हम सभी परवल के गुदा और बीज को इसी प्रकार से निकालेंगे और फाइनली हमारा निकल चुका है। तो इसे हम मिक्सी जार में पीसेंगे। उसमें हम एक साबुत लहसुन डालेंगे और एक अदरक का टुकड़ा और हमारा थोड़ी सी हम पानी इसमें ऐड कर लेंगे और इस प्रकार का हमारा बैटर तैयार होगा। इसके लिए हमने दो बड़े साइज़ का प्याज लिया है, दो मीडियम साइज़ की टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्च और थोड़ी सी हरी धनिया। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें लगभग 100 ग्राम के आसपास तेल डालेंगे और बारी बारी से हम अपने परवल को डालेंगे फ्राई होने के लिए। तो ये हमने परवल का जो गुदा निकाल के रखा था वो परवल है, उसको पहले हमने फ्राई कर लिया है। इस तरीके से आप परवल का भरवा बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। और याद रखें फ्रेंड्स, परवल को फ्राई करने के बाद हमारा तेल बहुत ही ज़्यादा जल जाता है। जलने के बाद तेल हमारा काला हो जाता है। बारी बारी से हमने सारे परवल को इसी प्रकार से सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। देख लेंगे कि हमारी परवल पका है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा तेल काला हो चुका है। अब हम इस तेल को निकालेंगे। और फिर से तेल डालेंगे लगभग 2 चम्मच के आसपास, क्योंकि वो हमारा तेल काला हो चुका था। अब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और थोड़ी सी सरसों। उसके बाद प्याज डालेंगे और हरी मिर्च और इन सब को भून के पकाएंगे। लगभग 2 से 3 मिनट तक पकाना है फ्रेंड्स। और पकने के बाद हमारा कुछ इस प्रकार का टेक्सचर है। अब हम इसमें थोड़ी सी नमक ऐड करेंगे। फिर हमने जो परवल के बीज से गुदा और बीज निकाला था उसका जो पेस्ट तैयार किया था वो अब डालेंगे इसमें, क्योंकि उसका कच्चापन यहाँ पे निकल जाए।
और इसे 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसका कच्चा पर अच्छे तरह से निकल जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, और फिर हम मसाला ऐड करेंगे। मसाला में हमने फ्रेंड्स 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच के आसपास लाल मिर्च का प्रयोग किया है, लाल मिर्च पाउडर का। मसाला डालने के बाद थोड़ी सी इसमें हम पानी ऐड करेंगे। उसके बाद 2 से 2 मिनट तक लगभग पकाएंगे तो हमारा मसाला तेल छोड़ चुका है। देखिए कढ़ाई बिल्कुल छोड़ चुका है। अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे, हरा धनिया। तो हमारा मसाला भून के तैयार है। अब हम इसे निकालेंगे। अब बारी आती है इन सब को परवल में मसाले ऐड करने की। तो आप एक चम्मच की मदद से या चाकू की मदद से इसे थोड़ी थोड़ी करके मसाले को डालेंगे। आप चाहे तो हाथ से भी मसाले को डाल सकते हैं उंगलियों की मदद से, लेकिन चम्मच से ज़्यादा अच्छा होता है। बारी बारी से इन सारे मसालों को हमने परवल में डाल दिया है। तो लगभग ये हमारा बनके तैयार है फ्रेंड्स। आप भी चाहे तो इस प्रकार से परवल का भरवा बनाएं और अपने फैमिली को खिलाएं। ये इस प्रकार से आप बनाएंगे तो आपका परवल का भरवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।